अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं ऑपरेशन रिसर्च का। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल पे बहुत से लेक्चर्स ऑपरेशन रिसर्च के अपलोड हैं, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम फ्लॉट्स एल्गोरिथम करेंगे। हमने इससे पहले शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हमने कुछ मेथड्स किए हैं। इसके अलावा हमने डाइजेस्ट्रा मेथड किया है। डाइजेस्ट्रा मेथड और फ्लॉट्स एल्गोरिथम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डाइजेस्ट्रा मेथड में होता क्या है कि एरो लगे होते हैं, इस तरह से शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम्स में भी एरो लगे होते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, अगर 1 से 2 तक एरो है, इट मीन्स कि आप 1 से 2 का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो एरो नहीं लगे, इट मींस कि आप 1 से 2 का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और 2 से 1 का भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि फ्लॉट्स एल्गोरिथम क्या करता है, आल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इट मींस कि हर नोड का आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। नोड क्या होते हैं, ये जो आपके पास नोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस क्वेश्चन में 6 नोड हैं, ठीक है, और हर नोड का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, एक और चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे कितने नॉड्स हैं, 6 नॉड हैं। तो इस मेथड में, फ्लॉट्स एल्गोरिथम में, जितने नॉड्स होंगे इतनी ही आइटरेशन होंगी, ठीक है। अगर 5 नॉड्स हैं तो 5 आइटरेशन, 4 नॉड्स हैं तो 4 आइटरेशन, 7 है तो 7, 8 है तो 8, मतलब जितनी नॉड्स हैं उतनी ही आइटरेशन होती हैं। तो आपने यहाँ पर जो है, अब आइटरेशन करने के लिए सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करना होता है। अब टेबल हमने कैसे ड्रॉ करना है, आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आइटरेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 नॉड है। यहाँ पर भी हमने इस साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। अब देखें 1 से डिस्टेंस तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर डैश लिख दी। 1 और 2 का डिस्टेंस क्या है, 700 है, तो हमने 700 लिख दिया। 1 का 3 से 200, अब 1 का 4 से कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि कोई यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है रूट में, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखेंगे। नेक्स्ट 2 का 1 से डिस्टेंस 700, 2 का 2 से कोई डिस्टेंस नहीं है, 2 का 3 से डिस्टेंस क्या है, देखें 2 और 3 का डिस्टेंस क्या है, 300, तो हमने 300 लिख दिया। इसी तरह से 2 का 4 से डिस्टेंस देखेंगे तो 200, हमने 200 लिख दिया। 2 का 5 से कोई डिस्टेंस नहीं है, आप देखें तो 2 से 3 रूट निकल रहे हैं, 1 3, 1 4 तक, 1 6 तक, 5 तक कोई नहीं जा रहा और 1 1 तक है, ठीक है, ये 4 रूट निकल रहे हैं। अब 2 का 5 से डिस्टेंस क्या होगा, फिर इन्फिनिटी होगा, और 2 का 6 से डिस्टेंस क्या होगा, 400, तो हमने 400 लिख दिया। नेक्स्ट 3 का 1 से डिस्टेंस, 3 का 1 से डिस्टेंस क्या है, 200 है। 3 का 2 से डिस्टेंस, सॉरी 3 का 1 से डिस्टेंस 200 है, 3 का 2 से डिस्टेंस 300 है। नेक्स्ट डैश 3 का सेल्फ डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। 3 का 4 से डिस्टेंस क्या है, 700, 3 का 5 से डिस्टेंस 600, और 3 का फिर 6 के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे। नेक्स्ट 4 का 1 से कोई डिस्टेंस नहीं है, हम इन्फिनिटी लिखेंगे। 4 का 2 से डिस्टेंस 200 है, तो हमने 200 लिख दिया। 4 का 3 से डिस्टेंस क्या है, देखें 4 का 3 से डिस्टेंस जो है वो 700 है, सेल्फ डिस्टेंस नहीं होता। 4 का 5 से डिस्टेंस क्या है, 300 है। 4 का 6 से डिस्टेंस क्या है, 100 है। नेक्स्ट 5 का 1 से कोई डिस्टेंस है, आप देखें 5 और 1 का कोई कनेक्शन नहीं है, 5 का 3 पे होगा, 4 पे होगा और 6 पे होगा, और आप देखें 5 का 2 पे 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। 5 का 3 के साथ क्या डिस्टेंस है, 5 और 3 का डिस्टेंस 600 है, तो हमने यहाँ पे 600 लिख दिया। 5 का 4 पे डिस्टेंस 300 है, 300 लिख दिया, सेल्फ डिस्टेंस नहीं होता। 5 का 6 से डिस्टेंस क्या है, 500 है। नेक्स्ट 6 पे आ जाए, नॉर्थ 6 का हम डिस्टेंस लिखते हैं। नॉर्थ 6 में कितने क्या क्या कनेक्शन है, 2 के साथ है, 4 के साथ है और 5 के साथ है, यानी कि नॉर्थ 6 का 1 के साथ है इन्फिनिटी डिस्टेंस, नॉर्थ 6 का 2 के साथ जो है 400 है, 3 के साथ डिस्टेंस नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट 6 का 4 के साथ क्या है, 100, 6 का 5 के साथ 500 और सेल्फ डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, ये हमने डिस्टेंस लिख दिए। अब मेन काम पे आ जाते हैं, डिस्टेंस हमने लिख दिए। अब मेन काम हमने क्या करना है, फर्स्ट आइडिएशन में हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है।
ये जो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया है इनको हमने नेक्स्ट टेबल में एज इट लिख दिया। देखें ये एज इट हमने फर्स्ट रो लिखी, एज इट हमने फर्स्ट कॉलम लिख दिया। ठीक है, हमने अब चेंज क्या करना है, डैश वाले तो एज इट रहेंगे, डैश में कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखें नेक्स्ट 300 है यहाँ पे। अब देखें 700 है इधर सामने और इधर क्या है 200 है, 7 + 2 900 300 से बड़ा है तो हम 300 लिखेंगे। 7 और इन्फिनिटी ये 200 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 200 लिखेंगे, यानी कि हम लीस्ट वैल्यू लिखेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 700 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ऐसी बात है बड़ा है, कोई भी नंबर इन्फिनिटी में ऐड होकर इन्फिनिटी ही रहेगा, यहाँ पर हम 400 ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थर्ड रो पे आ जाएं। थर्ड रो में क्या है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 700 है, तो 900 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे 300 है तो हम 300 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश एज इट, टू में इन्फिनिटी ऐड होगा तो इन्फिनिटी रहेगा तो 700 हम एज इट लिख देंगे। नेक्स्ट अगेन इन्फिनिटी है तो 600 एज इट, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड हो गए, इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट इन्फिनिटी है तो 200 एज इट आ जाएगा, यहाँ पे 700 भी एज इट आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड होकर इन्फिनिटी देगा, इट मीन्स कि ये रो एज इट रहेगी। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है तो ये भी रो एज इट रहेगी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है तो ये भी रो एज इट रहेगी। अभी आपको इतनी समझ नहीं आई, लेकिन जब हम नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमने सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है, बारी बारी हमने हर रो और हर कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सेकंड रो को ही सिलेक्ट किया और सेकंड ही कॉलम को सिलेक्ट किया। अब चेंजिंग क्या आएगी, अब हम जो चेंज आएगा वो लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम को एज इट लिख दिया और सेकंड रो को भी एज इट लिख दिया, डैश वाले भी एज इट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब चेंजिंग कैसे आएगी, देखिए ये हमारे पास 200 है, 200 के सामने क्या है 700 और यहाँ पे क्या है 300, 3 + 7 = 1000 बनता है, यहाँ पे 200 है तो हम 200 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, लेकिन इसके सामने 700 है और इसके नीचे क्या है 200 है, तो ये देखिए ये सामने आपने देखना होता है, इस नंबर के सामने और इस नंबर के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 700, यहाँ पे 200, तो 900 आ गया, तो हमने यहाँ पे 900 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसके नीचे इन्फिनिटी है तो हम इन्फिनिटी ही लिखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड होकर इन्फिनिटी ही रहता है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसके सामने क्या है 700 है, इससे नीचे क्या है 400 है, 7 + 4 1100 आ गया, तो हमने 1100 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे क्या है 200 है, इसके सामने क्या है, इसके सामने 300 है, तो इसके और यानी कि यहाँ पे पास और इसके ऊपर क्या है 700 है, तो 7 + 3 = 1000, यहाँ पे 200 है तो हम 200 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये सेकंड कॉलम है और डैश वाला भी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे क्या है 700 है, इसके ऊपर क्या है 200 है और इसके बिल्कुल 700 के सामने देखें तो 300 लिखा हो, जो हमने कॉलम या रो सेलेक्ट किया होता है हम उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 है, तो 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे 700 है, तो लेस कौन सा है 500 है, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। हमने लीस्ट वैल्यू लिखनी है, छोटी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, सॉरी यहाँ पे क्या है 600 है, इसके ऊपर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी ऑब्वियसली बड़ा नंबर है तो हम 600 ही लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फिनिटी है, लेकिन इसके ऊपर क्या है 400 है और इसके सामने क्या है 300 है, इन्फिनिटी के सामने, तो 4 + 3 = 7 है, तो 700 आ गया, तो 700 इन्फिनिटी से छोटा है तो हम 700 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ पे आ जाएं, तो फोर्थ पे हमें क्या करना है, फोर्थ पे देखें यहाँ पे आपके पास क्या है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के ऊपर क्या है 700 है और इन्फिनिटी के सामने क्या है 200 है, तो 7 + 2 = 9, तो हमने 900 लिख दिया, यानी कि इन्फिनिटी से छोटा नंबर है ना 900, ऑब्वियसली इन्फिनिटी बड़ा नंबर है, सेकेंड कॉलम वाली टर्म यानी कि नंबर एज इट रहेगा। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर, क्योंकि हमने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एज इट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 700 है, इसके ऊपर क्या है 300 है और इसके सामने क्या है 200 है, 3 + 2 = 5, तो 500 700 से छोटा है तो हम 500 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश आ गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 300 है, इसके ऊपर इन्फिनिटी है तो हम 300 ही लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी बड़ा नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे 100 है, इसके ऊपर 400 आ गया, 400 तो यहाँ पर एक ही टर्म को देख के हमें पता चल गया 400 जो है 100 से बड़ा है, तो हम 100 ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ वाले पे,
यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी है, इसके सामने इन्फिनिटी ही है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हम इन्फिनिटी ही लिखेंगे, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट 600 है, इसके सामने इधर देखें तो इन्फिनिटी है, तो हम 600 लिखेंगे। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, तो ये सारी आपके पास कॉलम एज इट, सॉरी रो एज इट आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास इन्फिनिटी है यहाँ पर, लेकिन इसके सामने 400 है और इसके ऊपर 700 है, 7 + 4 11, तो 1100 लिखेंगे, क्योंकि 1100 क्या है, इन्फिनिटी से छोटा नंबर है, तो हमने छोटा नंबर लिखना था। नेक्स्ट 400 एज इट, यहाँ पे इन्फिनिटी है लेकिन इसके ऊपर क्या है, 300 है, इसके सामने क्या है, 400 है, 3 + 4 700। हम इन्फिनिटी वाले केस में तब हर रो को सिमिलर रखते हैं जब ये जो हमने कॉलम या रो सेलेक्ट किया उसमें अगर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हमारी रो या रो पे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर वैसे ही यहाँ पे जैसे वैसे ही इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम 700 इसको चेंज करेंगे, यानी कि इन्फिनिटी की जगह 700 हमने लिख दिया। नेक्स्ट 100 है, इसके ऊपर 200 है, 200 बड़ा है तो हम 100 लिखेंगे। नेक्स्ट 500 है, इसके ऊपर इन्फिनिटी है तो हम 500 एज इट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होगी सेकेंड आइटेशन। अब थर्ड आइटेशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए, हमने फोर्थ आइटेशन स्टार्ट करने है, फोर्थ आइटेशन स्टार्ट करने के लिए हम थर्ड आइटेशन में देखें तो हमने थर्ड कॉलम को सिलेक्ट किया और थर्ड रो को सिलेक्ट किया। जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमने एज इट उठा के लिख दिया, देखें आप, ये आपके पास एज इट थर्ड कॉलम हमने नीचे लिख दिया और थर्ड रो भी एज इट हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और डैश वाली टर्म्स भी, मतलब डैश 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 एज इट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 700 है, यहाँ पे सामने इसके क्या है, 200 है, इसके नीचे क्या है, 300 है, 2 + 3 5, तो 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 500 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 900 है, इसके सामने 200 है, इसके नीचे 700 500 है, तो 2 + 5 7, तो 700 900 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 700 पुट करेंगे, क्योंकि हम छोटी वाली पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्फिनिटी है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 6 है, 2 + 6 8 800, तो हम 800 लिखेंगे, जो कि इन्फिनिटी से छोटा है। नेक्स्ट 1100 है, इसके सामने 2 और इसके नीचे क्या है, 7 7 + 2 9 900, 1100 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 900 लिखेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से देखें, यहाँ पे क्या है, 700 है, इसके सामने 3, इसके नीचे क्या है, 2 है, तो 500 700 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 500 लिखेंगे, यानी कि हर बार हम छोटी वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से डैश है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट 200 है, 200 के नीचे देखें तो 500 है, 500 बड़ी वैल्यू है, तो हम 200 एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के सामने 3, इन्फिनिटी के नीचे 6 6 + 3 9, तो या 900 हम लिखेंगे, क्योंकि 900 इन्फिनिटी से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्या है, 400 है, 400 नीचे देखें तो 700 लिखा हुआ है, तो 700 400 से बड़ा है, तो हम 400 एज इट लिख देंगे। थर्ड रो को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हम एज इट लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, 9 है हमारे पास, 900 है, तो इसके ऊपर 2, इसके सामने 5, 2 + 5 7, 700 है, 700 900 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 700 लिखेंगे। नेक्स्ट 200 है, इसके सामने 5 है, तो 5 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम 200 एज इट लिख देंगे। आप इसके ऊपर भी देखें तो अभी बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने 200 एज इट लिख दिया। नेक्स्ट वाले को छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट आपके पास 300 है, तो इसके ऊपर 600 लिखा हुआ है, तो 6 जो है बड़ा है 3 से, तो हम 300 एज इट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 100 है, इससे ऊपर भी 700 है, जो कि बड़ा है, तो हम 100 को एज इट लिख देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाएं, इन्फिनिटी है, इसके सामने 6, इसके ऊपर 2 8, तो 800 लिख दिया। नेक्स्ट इन्फिनिटी है, इसके सामने 6, इसके ऊपर 3 900 हमने लिख दिया, इसको छोड़ दें एज इट। नेक्स्ट 3 है, इसके ऊपर 5 है, तो 5 बड़ा है, तो हम 3 लिख देंगे। डैश है नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 है, 5 के ऊपर 7 है, तो 5 को एज इट लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 11 है, इसके सामने 7 और इसके ऊपर 2, तो 2 + 7 900, 900 जो है 1100 से छोटा है, तो हम 900 लिखेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 400 है, 400 7 से छोटा है, तो 400 लिखेंगे, 700 एज इट। 100 के सामने देखें तो 7 है, तो 100 एज इट लिखेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू 100 ही है, हमने छोटी वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास 500 है, इसके सामने देखें तो 700 लिखा हुआ है, तो छोटी वैल्यू क्या है, 500 है, तो हम 500 एज इट लिखेंगे और डैश डाल देंगे। नेक्स्ट हम जो है, ये हमारा अपडेट हो गया टेबल। नेक्स्ट पे हम फोर्थ वाले कॉलम को और फोर्थ वाली रो को सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमने रो और कॉलम सेलेक्ट किए हैं, इनको हमने नेक्स्ट टेबल पे एज इट लिखना है, ठीक है।
तो आप देखें नेक्स्ट टेबल में हमने फोर्थ वाले कॉलम को और फोर्थ वाली रो को एज इट लिख दिया, बाकी साइड टेबल को हमने अपडेट करना है और डैश वाला तो एज इट रहेगा। यहाँ पे देखें तो 500 है तो इसके सामने 7 है तो 5 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 है, इसके सामने 7 है तो ये भी बड़ा है तो 200 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 8 है, 800 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3000 बन जाता है तो 800 हम देख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 900 है, इसके सामने 7, इसके नीचे 100, 7 प्लस 1 8 यानी कि 800, तो हम 9 की जगह क्या फिर रिप्लेस कर देंगे 800, क्योंकि 800 क्या है 9 से छोटा है। नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे 500 है, इसके नीचे 7 है तो हम 500 ही लिखेंगे क्योंकि 500 छोटा है। नीचे वाली वैल्यू को देख लें, सामने वाली को देखें, ये दोनों ऐड होकर 900 बन जाएंगी तो वो और भी बड़ी हो जाएंगी, तो यानी कि बड़ी वैल्यू आती है तो इसलिए हमें अंडरस्टूड हो जाता है। नेक्स्ट डैश एज इट 300 है, इसके नीचे 500 है तो हम 300 ही लिखेंगे। नेक्स्ट 900 है, इसके सामने 2, इसके नीचे 3 प्लस 2 500 है तो हम यहाँ पे 500 लिखेंगे, 900 नहीं लिखेंगे, हमने छोटी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 400 है, इधर सामने 2, इधर नीचे 1, 2 प्लस 1 3, तो 300 हम यहाँ पे लिखेंगे, 400 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू क्या है 300 है। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे 200 है, इसके सामने 500 है, इसके नीचे 700 है, दोनों वैल्यूज बड़ी हैं तो ऑब्वियसली 200 आएगा तो हमने 200 लिख दिया। 300 है, इसके सामने देखें 500 लिखा हुआ तो हम 300 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश एज इट 500 भी एज इट, 600 पे मूव करें तो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 800 बन जाता है जो कि 6 से बड़ा है तो हम 600 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 700 है, इसके सामने क्या है 5, के नीचे 1, 600 बन गया। 600 जो है 700 जो है ग्रेटर देन है 600 से तो हम 600 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ वाला कॉलम एज इट रखेंगे, फोर्थ वाली रो एज इट रखेंगे, फिफ्थ रो पे आ जाएं, 8 है यहाँ पे, 7 प्लस 3 1000 बन जाता है तो 800 हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 900 है तो 2 प्लस 3 5 तो 500 हम लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास 6 है, 5 प्लस 3 8 तो हम 600 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश एज इट, नेक्स्ट क्या है 400 है, इसके सामने 100, इसके सामने 300 तो 400 बन गया तो हम 400 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 9 है, 7 प्लस 1 8, 4 है यहाँ पे, 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 तो 300 लिख दिया। नेक्स्ट 700 है, 5 प्लस 1 600 तो हम 600 लिखेंगे। यहाँ पे 100 एज इट, यहाँ पे 5 है तो इसके सामने 3, इसके नीचे 1, 3 प्लस 1 4 तो 400 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अपडेट हो गया टेबल। अब हम फिफ्थ आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ आइटरेशन स्टार्ट करने के लिए हमने फिफ्थ कॉलम को सेलेक्ट किया और फिफ्थ ही रो को सेलेक्ट किया। तो अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे फिफ्थ कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, फिफ्थ रो को सेलेक्ट कर लिया और ये फिफ्थ कॉलम एज इट हमने यहाँ पे लिख दिया और फिफ्थ रो को भी एज इट हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी डैश वाला को यानी कि इस कॉलम को भी हमने, ये जो ब्लॉक्स हैं ये भी हमने एज इट लिख दिए। हमने बाकियों को अपडेट करना है, यहाँ पे 500 है, इसके सामने 800 है तो 500 छोटा है तो हम 500 ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 200 है, इसके सामने 800 है, 200 छोटा है तो 200 लिख दिया। 700 भी हमने लिख दिया क्योंकि इसके सामने 800 है। अब 800 के सामने 800 है, इसमें नीचे वाली टर्म भी ऐड होगी तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 1200 बड़ा है 800 से तो हम 800 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 500 है, इसके सामने 500 लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या है 800 है तो ऑब्वियसली बड़ा है तो हम 500 लिखेंगे। डैश वाली को एज इट, 300 के सामने 500 लिखा हुआ तो 300 हमने लिख दिया, 200 के सामने भी 500 लिखा हुआ तो हम 200 लिखेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू लिखनी होती है। 500 एज इट, नेक्स्ट 300 के सामने 500 लिखा हुआ ये भी बड़ी वैल्यू है तो हम 300 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें 200 है, इसके सामने क्या है 6 है तो बड़ी वैल्यू है तो हम 200 लिखेंगे। नेक्स्ट 300 के सामने 600 है तो इसको भी हम 300 लिखेंगे। डैश वाली को एज इट, 500 के सामने 600 लिखा हुआ है, हम सिर्फ सामने वाली वैल्यू को देख के भी जज कर सकते हैं, नीचे वाली को ऐड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 500 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है 600 है, इसके सामने देखें तो इसके सामने देखें 600, नीचे देखें 400, 6 प्लस 4 1000 बन जाता है जो कि बड़ा है तो हम 600 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने
600 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाली रो पे आ जाए तो 700 है, इसके सामने 3, इसके नीचे 8, तो 800 7 से बड़ा है, 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा, तो हम 700 एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट 2 के नीचे 500 है तो हम 200 लिखेंगे, 5 के नीचे 600 है तो हम 500 एज इट लिखेंगे, डैश डाल दी, 300 लिख दिया, 100 के सामने 300 है और नीचे 400 है, तो ये 700 बन जाता है जो कि बड़ा है, यानी कि 100 हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाली जो रो है वो एज इट लिखेंगे, क्योंकि वो हमने एज इट लिखनी होती है। यहाँ पे देखें, नीचे 800 है, इसके सामने, इसके ऊपर 800 है, इसके सामने 400 है, 8 + 4 = 1200 जो है वो बड़ा हो जाता है 800 से, तो हमने 800 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्या है, 300 है, इसके ऊपर 5, इसके सामने 4, तो ये बहुत बड़ा है, तो हमने 300 लिख दिया, 600 के सामने 6 और प्लस 4 1000 बन जाता है, 1000 जो है वो बड़ा है 600 से, तो हम 600 लिखेंगे। नेक्स्ट 100 के ऊपर 3, यहाँ पे 4, 7 बन जाता है, बड़ा है तो हम 100 लिखेंगे, यहाँ पे 400 एज इट और डैश डाल दी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने 6 आइडेशन स्टार्ट करनी है जो कि लास्ट आइडेशन है। 6 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और 6 वाली रो को हम सिलेक्ट करेंगे। आप अगर यहाँ पे फोकस करें तो हमने यहाँ पर किया क्या है, बारी बारी हमने हर रो और हर कॉलम को सिलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लॉट्स एल्गोरिदम क्या करता है, हर नोड को, यानी कि हर नोड के आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो आप देखें तो बारी बारी आपने हर नोड को ही सिलेक्ट किया है और हर तरह से आपने इसका शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है, और जो अभी नेक्स्ट टेबल आएगा वो एक्चुअली फाइनल टेबल होगा। ठीक है, फाइनल टेबल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 वाले कॉलम को और 6 वाली रो को एज इट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 6 वाले कॉलम को एज इट लिख दिया और 6 वाली रो को भी एज इट लिख दिया, और बाकी ये जो डैश वाले हैं ये भी हमने एज इट लिख दिए हैं, ये डैश डैश हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, 5 के सामने 8 है तो 500 आ जाएगा, 2 के सामने 8 है तो 200 आ जाएगा, 7 के सामने 8 है तो 700 आ जाएगा, 8 के सामने 8 है और नीचे क्या है 4 है, 12 बनता है तो 800 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो पे आ जाए, 5 के सामने नीचे क्या है 8 है तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट डैश, 3 के सामने क्या है 3 है, नीचे क्या है 6 है तो 3 आ जाएगा, 2 के नीचे क्या है 1 है, 2 के सामने 3 है तो ऐड होके 4 बनता है, तो हम 2 लिखेंगे, यानी कि 200 लिखेंगे। ठीक है, 500 है, इसके सामने 3, इसके नीचे 4, 3 + 4 = 7, तो बड़ा है तो हम 500 लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड रो पे आ जाएं, 200 है, इसके सामने 6, इसके नीचे 8, बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम 200 लिखेंगे, 300 है, इसके नीचे 300, इसके सामने 600, बड़ी वैल्यू बन जाती है तो हम 300 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश, नेक्स्ट 500 है, इसके सामने 6, इसके नीचे 1, 7 बनता है तो हम 500 लिखेंगे, 600 है, नेक्स्ट 6, इसके सामने 6, इसके नीचे 4, तो 1000 बनता है तो हम 600 लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ रो पे आ जाएं, 7, इसके नीचे 8, इसके सामने 1, 9 बनता है तो हम 700 लिखेंगे। नेक्स्ट 2, 2 के नीचे 3, इसके सामने 1, 400 बनता है तो हम 200 लिखेंगे, 5 है, 5 के सामने 1, नीचे 6, 700 बनता है तो हम 500 लिखेंगे। नेक्स्ट डैश एज इट, 3 के सामने 1, नीचे 4, तो 5 बनता है, ये देखें ये 300 है ना, इसके नीचे और इसके सामने, तो यहाँ पे 300 हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ रो पे, 800 है, इसके नीचे देखें, जो हमने एक रो सेलेक्ट की होती है उसमें देखना होता है, इसके नीचे क्या है 800 है और इसके बिल्कुल सामने क्या है 400 है, 12 बनता है तो हम 800 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 5 है, 500 है, इसके सामने 4, इसके नीचे क्या है 3 है, तो 700 बन जाता है, ऐड होके बड़ा हो जाता है तो हम 500 लिखेंगे। नेक्स्ट 600 है, इसके नीचे 6, इसके सामने 4, तो 1000 बन जाता है तो हम 600 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास 300 है, इसके सामने 4, इसके नीचे 1, तो 500 बन जाता है तो हम 300 लिखेंगे, और इसी तरह से डैश एज इट और 400 भी एज इट। और ये आपके पास जो टेबल बना है, ये आपके पास क्या है, फाइनल टेबल है, यानी कि यहाँ पर आपके पास हर नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये आपके पास क्या था, फ्लॉट्स एल्गोरिथम था।
आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्लॉट्स एल्गोरिदम समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन रिसर्च का ये टॉपिक है प्लॉट्स एल्गोरिदम, जो कि बहुत बार पेपर में आता है। पहले आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आता है, यानी कि शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम, उसके बाद आपके पास डाइजेस्टर आना शुरू हो गया बहुत बार पेपर में, ठीक है। लेकिन आप पंजाब यूनिवर्सिटी जो है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी, जीसी यूनिवर्सिटी भी फ्लॉट्स एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा दे रही है, तो फ्लॉट्स एल्गोरिदम की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत से स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे, तो इसलिए हमने फ्लॉट्स एल्गोरिदम आपके लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये फ्लॉट्स एल्गोरिदम के नाम से ही पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपकी डिमांड के लिए, आपकी डिमांड पर हमने इसको क्या कर दिया, अपलोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त किया करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।